मौत की नींद सुला सकते हैं दाग लगे टमाटर। आप भी सस्ते के चक्कर में खरीद लाते हैं कटे फटे टमाटर, तो अब हो जाइए सावधान। इंसानों के लिए काल बन सकता है टमाटर पे लगा काला धब्बा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऐसा वीडियो कि देखने वालों का बैठ गया कलेजा। काले धब्बे वाले टमाटर से मौत की खबर पर एक्सपर्ट ने भी बताई ऐसी सच्चाई कि लोगों के पैरों तले खिसक गई जमीन। वीडियो में समझे पूरी खबर। पहले के जमाने में लोग खेतों से ताजी सब्जियां तोड़कर यूं ही पका लेते थे। कई सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर आदि तो लोग खेत से तोड़कर सीधे खा भी लेते थे। इन सब्जियों को धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। नेचुरल तरीके से उगाई इन सब्जियों का डायरेक्ट सेवन किसी तरह से नुकसान नहीं करता था। लेकिन इस सब्जियों को उगाने में इतने केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि इसे सीधे खाया नहीं जा सकता। लेकिन अब अगर इन सब्जियों के अंदर सांप द्वारा जहर भर दिया जाए तो? जी हाँ, इसी दावे के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है जो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक सांप द्वारा टमाटर को डसते हुए देखा जा सकता है। ऐसे में क्या ये टमाटर जहरीला हो गया होगा? आपके भी मन में अब ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर टमाटर सांप खाते हैं या नहीं। पूरी बात आपको जरूर बताएंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। फेसबुक पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया है। साथ ही वीडियो के साथ ये दावा किया गया है कि इस टमाटर के अंदर सांप का जहर भर गया है। अब इसका सेवन इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप ने टमाटर को अपने मुंह से दबाया हुआ है। लेकिन कई लोगों को ये भी नजर नहीं आया कि सांप को लकड़ी से दबाया गया है। सेल्फ डिफेंस में सांप ने टमाटर पर अटैक किया है। आमतौर पर सांप सब्जियां और फल नहीं खाता, लेकिन जब सांप को लकड़ी से दबाया गया तो उसने अपने सामने पड़ी चीज पर अटैक कर दिया। इस मामले पर एक्सपर्ट की राय है कि किसी भी फल या सब्जी को जिसे जानवर या पक्षी ने झूठा किया है उसे ना खाने में ही भलाई है। कोरोना वायरस या निपा वायरस से ये सभी जानवरों से ही फैलते हैं, ऐसे में इन्हें खाना अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक बात सांप के जहर वाले टमाटर की है, तो किसी भी रिसर्च में ये क्लियर नहीं हुआ है कि इनके सेवन से इंसान को नुकसान होगा। इसके बावजूद इन्हें खाना अवॉइड ही करना चाहिए। सब्जियां खरीदते हुए ध्यान दें कि उसमें छेद या ज्यादा निशान ना हो, ऐसी सब्जियां ना ही खरीदें। साथ ही सब्जियां घर लाने के बाद उसे नमक और विनेगर डालकर अच्छे से साफ करें। इससे कई केमिकल्स के सेवन से आप बच जाएंगे। दोस्तों, आप किस शहर से हैं और आपके शहर में किस तरीके का टमाटर आप इस्तेमाल करते हैं और वो आपके लिए कितना फायदेमंद है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आज के लिए केवल इतना ही।